Hello everyone, here I Kumil Sharma welcomes you all at your own Gargi Classes, a place where you can get all the information relevant to your competitive exam. Alright then, so today's topic rahega, that is all uh, relevant to Christopher Marlowe and his plays. तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्रिस्टोफर मार्लो एज अ ड्रामेटिस्ट उसके बारे में डिस्कस किया था उसकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया था एज अ ड्रामाटिस्ट वो कैसे थे प्लस हाउ मेनी प्लेज ओवर रिटन बाय हिम ये सारे डिस्कशन मैंने किया था इन माय प्रीवियस वीडियो आपको रेलिवेंट टू एंटी नेट इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस वीडियो uh, Uh, को देखना है uh, और आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो इंटरलिंक्ड है विद माय प्रीवियस वीडियोस तो uh, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे uh, दिया हुआ है पर्टिकुलरली मेरा जो प्लेलिस्ट है ऑफ एंटी इंड एंट इंग्लिश लिटरेचर उसकी प्ले लिस्ट आप क्लिक करें आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे और राइट तो जो uh, आज का जो प्ले है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज़ और टैम्बुल इन द ग्रेट टैम्बुल इन द ग्रेट विच इज़ रिटन इन टू टू पार्ट्स टैम्बुल इन द ग्रेट के दो तो पार्ट्स हैं और जो लिखा गया है क्रिस्टोफर मारलॉव के थ्रू तो आज से मैं जो भी डिस्कस करूँगी जो भी फाइव टू सिक्स प्लेज लिखे हैं क्रिस्टोफर मारलॉव ने उसका वन बाय वन मैं आपको एलाबोरेश इलाबोरेट करूंगी वन बाय वन बिकॉज ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टू और टू अंडरस्टैंड द एंड स्टोरी ऑफ क्रिस्टोफर मारलॉव प्ले ऑल राइट दैन तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन हो गया अपना ये ब्रिटिश ड्रामा फॉर्म में हो गया ब्रिटिश ड्रामा का जो अपना सीरीज चल रहा है फ्राम द यूनिट फर्स्ट ऑफ ड्रामा विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन टूअर सिलेबस तो ड्रामा का फर्स्ट यूनिट ड्रामा ड्रामा का सब पोर्शन ब्रिटिश ड्रामा और ब्रिटिश ड्रामा में जो यूनिवर्सिटी वर्ड्स हैं उन्हीं में से क्रिस्टोफर मार्लो है क्रिस्टोफर मार्लोव का सबसे पहला जो प्ले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ताम्बुल इन द ग्रीट ऑल राइट दैन बिफोर मूविंग अ हैड आई वुड लाइक टू मैंशन हेयर अगैन द थिंग दैट डोंट गैट टू फॉलो आर पेजेस अपॉन विच आर अपॉन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टैलीग्राम लिंक तो जो भी टेलीग्राम लिंक है फेसबुक पेज है हमारा प्लस गर्गी क्लासेस का एंड प्लस जो इंस्टाग्राम पेज है उन सबको आप फॉलो करें उनको अपने डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहे जो भी हम न्यू एक्टिविटीज या न्यू अपडेट्स वहाँ पे डाल रहे हैं टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो, तो वहाँ पे आपको आ, रिलेट करते हुए सारे इंफॉर्मेशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी ऑल राइट दैन सोर आई मूविंग ए हेड विद आर प्ले दैट इज तैम्बुल इन द ग्रेट विच इज रिटर्न बाय क्रिस्टोफर मार्लो लोव द तैम्बुल इन द ग्रेट इज अ प्ले इन टू पार्ट्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो क्रिस्टोफर मार्लाओ का सबसे पहला जो प्ले था वो था तैम द ग्रेट और ये दो पार्ट्स में लिखा गया है पार्ट वन एंड पार्ट टू इट इज लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्रल एशियन एम्पर तैमर द लेम फोर्टीन हंड्रेड एंड जीरो सेंचुरी का एक सेंट्रल एशियन एम्पर था एम्पर था जिसका नाम था तैमूर द लेम तैमूर द लेम था बिकॉज फ्राम द वन फुट एक फुट से वो लंगड़े थे तो उस वजह से ही वॉज बींगल्ड एज अ तैमर द लेम ऑल राइट दैन सो ही वॉज देंट्रल एशियन एम्परर इन फिफ्टीन सेंचुरी फिफ्टीन सेंचुरी का सेंट्रल एशियन एम्पर था बहुत बड़ा uh, उसी से रेलिवेंट और उसी पर बेस्ड ये पर्टिकुलर प्ले है तो ये पर्टिकुलर प्ले का जो जॉन रे हो गया वो हो गया हिस्टोरिकल तो ये पर्टिकुलर प्ले जो है वो हिस्टोरिकल ड्रामा है रिटन इन फ़िफ्टीन ऐटी सेवन और पहला जो उसका ड्राम पहला जो पार्ट है तैम्बुल द ग्रेट पार्ट वन एज वॉज़ रिटन इन फिफ्टीन ऐटी सेवन और जो सेकेंड पार्ट है वो कब आया था फिफ्टीन ऐटी एट द प्लेज अ माइल स्टोन इन एलिजाबैदन पब्लिक ड्रामा और ये पर्टिकुलर ड्रामा है वो माइल स्टोन है इन द एलिजाबैदन पब्लिक ड्रामा क्योंकि पहले के जो भी प्रिसडिंग ड्रामाज थे बिफोर पब्लिशिंग और बिफोर ड्रामाटाइज दिस पर्टिकुलर ड्रामा तैम्बुल द ग्रेट तो उससे पहले के जितने भी ड्रामाज थे उनका एक ही सीक्वेंस चला आ रहा था एक ही फॉर्मेशन में लिखे जा रहे थे उनमें में रजिडिटी थी तो उन सब से हट के ये ड्रामा था पर्टिकुलर तो इसीलिए इसको माइल्ड माना जाता है एलिजाबन पब्लिक ड्रामा में इट मार्क्स अ टर्निंग अवे फ्राम द क्लमजी लैंग्वेज एंड लूज प्लॉटिंग ऑफ द अर्लीयर टू डे ड्रामेटिस्ट एंड अ न्यू इंट्रस्ट एंड फ्रैशन विविद लैंग्वेज मेमोरेबल एक्शन एंड इंटलेक्चुअल कंप्लेक्सिटी तो ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है ये एक तरीके से ब्रेक डाउन है एक टर्निंग पॉइंट है कि जो भी पहले के जो ड्रामाज होते थे उनकी लैंग्वेज क्लमज़ी हुआ करती थी प्लॉट्स लूज हुआ करते थे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लॉट्स नहीं हुआ करते थे जो अर्लीस्ट स्टूडेंट ड्रामेटिस्ट जो थे वो इस तरीके के ड्रामाज लिखते थे एंड ये जो पर्टिकुलर ड्रामा एक नया इंटरेस्ट क्रिएट करता है इसकी लैंग्वेज विविध है इसके एक्शंस मेमोरेबल है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंटेलेक्चुअल है तो ये सारी चीज़ें मिलके एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट था इन दी एरा ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा तो एक तरीके से पब्लिक अट्रैक्शन हुआ ये जो पार्ट वन जब पब्लिश हुआ था द ग्रेट का तो ये जो लंडन के जितने भी पब्लिक थे उनके लिए एक अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव पोर्शन था ये ठीक है इट मे भी कंसिडर्ड द फर्स्ट पॉपुलर सक्सेस ऑफ लंडन पब्लिक स्टेज और लंडन की पब्लिक स्टेज पे ये फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर ड्रामा है ठीक है तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट प्ले दुल तैम्बुल द ग्रेट बाय क्रिस्टोफर मार्लॉ ठीक है ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे बताया है नेक्स्ट इज द प्ले टैम्बुल ग्रेट बिगिन प्रोलॉग डिक्लेयरिंग दैट द प्ले विद नॉट फोकस ऑन पेटे सब्जेक्ट एंड आर डिस्क इन अदर प्लेज एंड दैट इट विल इनस्टार्ट बी अबाउट अ ग्रेट कॉन कॉर्नर एंड हज विक्ट्रीज तो ये जो पर्टिकुलर प्ले है ग्रेट वो शुरू होता है एक प्रोलोग के साथ और इसमें जो प्रोलोग है उसी से पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर इसका जो प्लॉट है प्ले का जो प्लॉट है वो जनरल सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है इसमें जनरल चीज़ें डिस्कस नहीं हुई है और ये जो पर्टिकुलर प्ले है तैम्बुल द ग्रेट ये एग्जैक्टली रिलेट करेगा एग्जैक्टली जो स्टोरी है इसमें एक बहुत बड़े कॉनकोअर और विक्ट्री विक्ट्रियस जो पर्सन रहा हुआ है इन हिस्ट्री उसके बारे में है ठीक है जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ऑफ़ डेली लाइफ उनके बारे में ये प्ले नहीं है डिफरेंट है हिस्टोरिकल है ठीक है तो अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद में अपना यहाँ पे प्ले शुरू होता है ताम्बुल इन द ग्रेट तो एक्जैक्टली अब इसमें एक्ट वन है तो एक्ट वन में एक्जैक्टली क्या होता है मैंने यहाँ पे डिटेल्ड आपको स्टडी कराने का ट्राई किया है एक एक चीज़ मैंने पिक करी है यहाँ पे ठीक है तो एक तरीके से ओवरव्यू कंप्लीट ओवरव्यू मैंने यहाँ पे लिया है ऑफ द पर्टिकुलर ड्रामा टैम्बुल इन द ग्रेट पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों को यहाँ पे डिस्कस करूँगी ठीक है तो यहाँ पे एक्ट वन शुरू होता है पार्ट वन ऑफ द टैम्बुल इन द ग्रेट तो पार्ट वन ओपन विद द माई सेट्स माई सेट्स द किंग ऑफ परसिया कंप्लेनिंग टू हिज ब्रदर कॉसरो अबाउट अ सिथियन शाफर नेम्ड टैम्बुल Who together with his band of outlaws causes him trouble? अब exactly जो play शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है persia में तो persia का जो king है जिसका नाम है माइसेट्स persia का king है माइसैट्स वो अपने brother कोसरो से डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ पे माइसेट और कोसरो दोनों ब्रदर्स हैं माईसेट्स जो है वो किंग है ऑफ पर्सिया ही इज़ द किंग ऑफ़ परसिया और वह अपने ब्रदर कोसरो से डिस्कस कर रहा है अबाउट अ सीथियन शेफर्ड तैम्बुलिन एक शेफर्ड है जिसका नाम है टैम्बुलिन उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है बिटवीन द किंग ऑफ परसिया एंड हिज़ ब्रदर हु टुगेदर विद हिज़ आर बैंड ऑफ आउटलोस लोज कॉजिज हम ट्रेवल जो तैम्बुल है जो सिर्फ एक शेफर्ड है मामूली आदमी है वो अपने जो भी बैंड ऑफ आउटलोस हैं मतलब जो भी शेफर्ड हैं उसके साथ की जो कंपेनियंस हैं जो भी डाउन रोडन लोग हैं जो भी उसके साथ के हैं वो सारे ए, मिल के उससे ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं उसके लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं उसके किंगडम के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके से माइड सेट्स अपने ब्रदर कौसरो से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से एक मामूली शेफर्ड तैम्बोर्िन अपने बैंड ऑफ आउटलोज के साथ मिलकर उसके लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं ठीक है कॉसरो स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग हिज ब्रदर फॉर बींग वीक एंड फुलिश एंड यट द किंग डज नथिंग टू स्टॉप हिम अब एग्जैक्टली exactly जो कौसर है उसका जो ब्रदर है वो अपने ब्रदर माइड सेट्स को एग्जैक्टली exactly बहुत बुरा भला बोलता है और वो बोलते हैं कि तुम कितने वीक और फुलिश हो तुम राजा हो के इतने बड़े राजा हो के इतने बड़ा किंगडम तुम्हारे अंडर है और तुम एक मामूली शेफर्ड और आउटलोज को रोक नहीं सकते हो इस तरीके से उनमें डिस्कस चल रहा है अब आगे देखते हैं एक्जैक्टली ये जो मामूली शेफर्ड अब वो क्या करता है किस तरीके से इनकी लाइफ को एग्जैक्टली इन थ्रू वर्ड्स हेल्प कर देता है

Uh, जो माइ सेट्स से, है वो अपने चीफ कैप्टन को मारने के लिए भेजता है तैम्बुलन को कि तुम जाओ और तैम्बुलन को मार दो और ये जो चीफ कैप्टन होता है वो कौन होता है थारिडमस थारिडमस इज़ द नेम ऑफ द चीफ कैप्टन चीफ कैप्टन uh, ऑफ पर्सिया पर्सिया का चीफ जो कैप्टन होता है वो थारिडमस होता है और वो uh, तैम्बुलन को अब मारने के लिए जाता है ठीक है तो माई सेट्स का ये ऑर्डर होता है तो यहाँ पे जो बेसिक कैरेक्टर्स आपको पता चले होंगे जैसे पहला जो कैरेक्टर है माई सेट्स है उसका ब्रदर कोसरो है फिर उसका जो चीफ कैप्टन है वो थैरेडमस है और इधर तैम्बुल द ग्रेट है जो कि सिर्फ़ एक शेफर्ड है ठीक है After Tharidimus and Mycets leave the stage, Cosro is told that the Persian don't like Mycets as king. They offer him the crown, with Cosro accepts, which Cosro accepts. तो अब क्या होता है जो Mycets और Tharidimus हैं वो दोनों off stage चले जाते हैं. Cosro है वो stage पे रहता है और जो भी वहाँ का वहाँ के लोग हैं, the people of, the public of Parsiya, वो कॉस्ट्रो को इन्फॉर्म करती है कि बीइंग पीपल विच डोंट लाइक माई सेट हम माई सेट्स को पसंद नहीं करते हैं तो तुम ये क्राउन तुम एक्सेप्ट करो तुम इसे तुम थ्रोन एक्सेप्ट करो ऑफ माय पोर्सिया ऑल राइट देन सो यहाँ पे जो कॉस्ट्रो वो एक्सेप्ट कर लेता है क्राउन को जो कि पर्सियाई की, uh, की पब्लिक उसे ऑफर करती है अब देखते क्या होता है दोनों भाइयों में किस तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिटवीन कॉस्ट्रो एंड माइसेट्स तैम्बुलिन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंड सीन सेकेंड सीन में ताम्बुलिन अपेयर होता है फ्राम द नेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है क्वेश्चन कहीं आ सकता है भी हो आए ये कि ताम्बुलन द ग्रेट एग्जैक्टली कौन से सीन में कौन से एक्ट के कौन से सीन में अपेयर होता है इन द ड्रामा तैम्बुल इन द ग्रेट ठीक है तो सीन सेकेंड में अपेयर होता है एक्ट फो एक्ट सेकेंड में सॉरी एक्ट सेकेंड में तैम्बुलिन अपीय फॉर दिस फर्स्ट टाइम इन दिस सेकेंड सीन विच ही कैप्चर्स जेनोक्रेट द इजिप्टियन प्रिंसेज अब क्या होता है ताम्बुलिन इस एक्ट में पर्टिकुलर एक्ट में अपियर होता है प्लस वो क्या करता है उसको क्या करते हुए दिखाया है कि वो जेनोक्रेट एक प्रिंसेज है इजिप्शियन प्रिंसेज है उसको उसने कैप्चर कर लिया है ठीक है तो तैम्बुलिन ने इजिप्शियन प्रिंसेज जेनोक्रेट को कैप्चर कर लिया है तैम्बुलन starts declaring हिज लव फॉर हर एंड promises टू मेक हर क्वीन अब तैम्बुलन अपना जो लव है अपना जो फैक्शन है उसके लिए रिवील करता है और उसे प्रामिस करता है टू मेक हर अर क्वीन मतलब वो उससे शादी करेगा इस तरीके का प्रामिस वो उससे करता है तैम्बुलेंस जेनोक्रेट से तेरेडेमस अराइव विद एन आर्मी ट्विज एज एज तैम्बुलेंस बट इज कन्विंस टू स्विच साइड्स एंड बिकम्स लॉयल टू तैम्बुलन अब जो थारीडम्स है जो चीफ कैप्टन ऑफ परसिया है जिसको माइसेट्स ने भेजा था ताम्बुलिन को मारने के लिए पर जब वो वहाँ पे आता है थारीडमस जब आता है अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेके जो कि ताम्बुल्लिन की आर्मी से जस्ट बड़ी थी पर वो वहाँ आता है तो उसे कन्वेंस कर दिया जाता है बाय ताम्बुलिन शूट तरीके से कन्वेंस किया जाता है वहाँ पर कि तुम अपना जो साइड है वो चेंज कर लो और अगर तुम साइड चेंज करोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट होगा तो उसे लालच देके, के को लालच देके, के उसे अपने साइड कर लेता है ठीक है तो इस तरीके से जो प्लॉट क्रिएट करता है अगेंस्ट माइसेट्स तो इस तरीके से जो पहला जो चीफ कैप्टन था ऑफ माइसेट्स वो अब किसकी तरफ हो चुका है ताम्बुलन की तरफ अब आगे देखते हैं क्या होता है कॉसरो ऑल्सो ज्वाइंस ताम्बुर्न अब कॉसरो जो है वो भी ताम्बुलेन को ज्वाइन कर लेता है अब माइसेट्स जो है वो किंग ऑफ पर्सिया है वो पहले अपने ब्रदर कॉसरों पर ट्रस्ट करता है फिर वो जी चीफ कैप्टन होता है थेडम्बस उस पर ट्रस्ट करता है लेकिन यहाँ पे दोनों ही अपना साइड चेंज करके ताम्बुलन के साइड हो जाते हैं क्योंकि तैम्बुलन उन दोनों को लालच देता है कॉसरों को लालच देता है कि ठीक है मैं तुम्हें क्राउन बिस्टोव करूँगा तुम्हें पर्सिया का क्राउन और जो टेरेडम्स है उसे भी प्रॉफिट प्रॉफिट का पार्ट शो करता है जिससे कि वो भी उसकी साइड आ जाता है होपिंग दैट ही विल बी एबल टू टेक हिज ब्रदर्स थ्रो विद दी हेल्प ऑफ टैम्बुलेंस आर्मी अब वो कॉर्स थ्रू जो है वो टैंबुलेंस के साइड में हो जाता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि जल्दी टैंबुलेंस के हेल्प से मैं जो मेरा ब्रदर का जो थ्रोन है वो मेरे साइड हो जाएगा मतलब मैं किंग बन जाऊँगा ऑफ कॉर्सिया वेन माई सेट्स हेयर्स अबाउट बट अबाउट वॉट हैपन्ड इज एडवाइज बाई मी एंडर टू थ्रो गोल्ड ऑन द बेटर फील्ड इन एन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट द शोल्जर अब जब उसे पता चलता है कि कोसरो और थैडमस दोनों ही ताम्बोलिन के साइड हो जाते हैं तो ऑब्वियस है उनके जो ट्रस्ट ट्रस्ट वाली जो भी आर्मी मेम्बर्स होते होते हैं जो भी शोल्जर्स होते हैं वो भी उन्हीं के साइड हो गए ताम्बुल के साइड तो इस तरीके से जो माइसेट्स है वो थोड़ा डर जाता है उसको जब पता चलता है और जो उसका पार्टनर होता है मियांडर आर्मी मेंबर ही होता है मियांडर जो उसको सजेस्ट करता है कि तो तुम एक काम करो तुम बैटलफील्ड में गोल्ड टैंक दो ताकि जो शोल्जर्स हैं उनका ध्यान डाइवर्ट होगा और वो उस गोल्ड गैदरिंग में लग जाएंगे और बैटल को भूल जाएंगे टैम्बुलिन कम्स इन वैन माई सेट्स ट्राइज टू हाइड स्ट्रॉन टैम्बुलिन जब उसके पास जाता है बैटल चल रहा होता है वहाँ पे वॉर चल रहा होता है तो ताम्बोलन माइसेट्स के पास जाता है माइसेट्स अपना जो और क्राउन है उसे छुपाने की कोशिश करता है दैट आई डोंट वांट टू गिव माय क्राउन टू यू मैं अपना क्राउन तुम्हें नहीं दूंगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट दैन तैम्बुलन लेट्स माई hold the crown until he destroys his army. अब Tamburlaine शार्प होता है बहुत ज़्यादा broad होता है bold होता है तो वो बोलता है ठीक है just keep your crown माई सेट्स वो माई सेट्स को बोलता है ठीक है तो हम अपना crown रखो और वो जब तक पूरी army को completely destroy नहीं कर देता है तब तक वो my sets से वो crown नहीं लेता है उसकी आंखों के सामने माइसेट्स की आंखों के सामने उसकी ही आर्मी को अलोंग विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रस्ट वर जिन पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था माइसेट्स उन्हीं की हेल्प से वो उसकी आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका क्राउन भी ले, ले लेता है ठीक है अब जो थर्ड एक्ट है उसमें क्या होता है द थर्ड एक्ट बिगिंस विद द टर्किश एम्पायर बेजाज डिस्कसिंग विद द हिज किंग्स दे ऑल एग्री दैट तेम्बुल मस्ट बी स्टॉप फ्रॉम एंट्रिंग द टर्कि एम्पायर अब क्या होता है एक्ट वन और एक्ट सेकंड में जैसे आपने देखा पोर्सिया को उसने जीत लिया है पोर्सियन जो एम्प्रर था पोर्सियन जो किंग था मैसेट उसको पूरी तरीके से हरा दिया है अब उसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या है टर्किश एम्पायर अब टर्किश एम्पायर में क्या होता है अब जो थर्ड एक्ट है वो टर्किश में टर्क में शुरू होता है वहाँ का जो एम्पर होता है बजाज तो वहाँ का एम्प्रायर होता है वो अपने किंग्स से आसपास के जो लोग होते हैं उनसे डिस्कस कर रहा होता है कि हमें किसी भी तरीके से टर्किश एम्पायर में कैम्बुल को एंटर होने से रोकना है ठीक है तो इस तरीके से बैजाजैत हु टर्किश एम्प्रर वो इस टर्किश एम्पर एग्जैक्ट एग्जैक्टली टर्किश जो होता है वो अपनी बाकी किंग से डिस्कस कर रहा होता है कि हमें किसी भी तरीके से टर्किश एम्पायर में टर्किश एम्पायर में ताम्बुलन को एंटर होने से रोकना है ठीक है इस तरीके से उनमें डिस्कस चल रहा होता है आगे क्या होता है ताम्बुल वॉक्स इन ऑन लॉर्ड अजाइडस टालिंग जेनोक्रेट टू नॉट लेट हरसेल्प बी मैनिपुलेटेड बाय बुल अब उसी ड्यूरेशन में क्या होता है ताम्बुलन चुपचाप खड़ा होता है और जानोक्रेट जो कि टू बी वाइफ होती है ऑफ़ ताम्बुलन तो जेनोक्रेट को जो लॉर्ड अजाइडस है अदर कैरेक्टर वो उसको कन्विंस करा होता है जानोक्रेट को कि तुम अपने आप को ताम्बुलन के हवाले मत करो तुम उसको इतना मत सौंपो कि वो तुम्हें कंप्लीटली मैनिपुलेट कर दें और वहाँ पे ताम्बुल छुप के ये सब कुछ सुन रहा होता है टेल्स शी वांट्स टू मैरी ताम्बुल लेकिन जेनोक्रेट बोलते नो आई डोंट टू, आई डू, आई डू वॉन्ट टू मैरी विद मैं, मैं ताम्बुलेन से शादी करना चाहती हूँ जानोक्रेट बोलती है वैन अजाइडस रियलाइजेस दैट ताम्बुर्न हर्ड वॉट ही टॉर्चर हिम अब जो लॉर्ड अजाइडस है जब उसे ये पता चल जाता है कि मेरी जो कॉन्वर्सेशन है मेरा जो कन्वेंसिंग वे था जैनोक्रेट को कन्वेंस जो कर रहा था कि तुम ताम्बुलिन से शादी मत करो उसके उसके अगेंस्ट में भड़का रहा था उसी टाइम पर क्या होता है ताम्बुलिन सुन रहा होता है और जब उसे एहसास होता है लॉर्ड अजाइडस को कि एग्जैक्टली ताम्बुलिन ने मेरी सारी बातें सुन ली है तो वो अपने आप को ही मार लेता है अपने आप को स्टैपअप कर लेता है अपने अंदर चाकू चाकू से खुद का आ, सेल्फ मॉडर कर लेता है ठीक है तो एक तरीके से सेल्फ मॉडरिंग की आ, क्यों करता है क्योंकि वो अपने आप को तैम्बुलेंस के हाथों टॉर्चर नहीं करना चाहता है तो तैम्बुलेंस और टॉर्चर होने के बजाय वो क्या करता है अपना सेल्फ मॉडर एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुद ही मर जाता है स्टैबिंग नाइफ ठीक है एक्ट फोर्थ में क्या होता है यहाँ तक हो गया एक्ट थर्ड एक्ट फोर्थ में क्या होता है इन दिस एक्ट एम्बुल डिफेक्ट दर्किश एम्प्रर मेकिंग बेजाजैथ एंड वाइफ जबीना है स्लीवस अब क्या होता है एक्ट फोर्थ में तैम्बुलन जो होता है वो टर्किश एम्पर जो होता है बैजाजैथ और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लेता है उनको बंदी बना लेता है प्रिजनर बना लेता है और जो टर्किश एम्पायर है उसको जीत जाता है तो पहले में उसने पोर्सिया जीता अब दूसरे में टर्किश ठीक है िन और जेनोक्रीड दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के बहुत एंजॉय करते हैं बैजाजैथ और जबीना को जब हिमिलियट करके उनके टॉर्चर करके इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे अबाज़त और जबीना को बुरी तरीके से हेमिलियट किया जा रहा है टॉर्चर किया जा रहा है और तैम्बुलन और जैनोक्रेट दोनों उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं तो किस तरीके की मैंटालिटी होगी इन लोगों की किस तरीके के पुस्त कैरेक्टर्स होंगे ये लोग कितने ज़्यादा uh, क्रूल हो सकते हैं ये लोग आप इमेजिन कर सकते हैं जैनोक्रेट्स फादर द सुल्तान ऑफ इजिप्ट वोज़ टू स्टॉप तैम्बुलन विद द हेल्प ऑफ अरेबियन किंग नाउ व्हाट हैपन जैनोक्रेट के जो फ़ादर हैं जैनोक्रेट के जो फ़ादर है जो कि इजिप्टियन सुल्तान होते हैं तो सुल्तान ऑफ इजिप्ट वो कसम खाते हैं कि ताम्बुलिन विद द हेल्प ऑफ अरेबियन किंग कि ताम्बुलिन को किसी भी तरीके से इजिप्ट पे अटैक करने से रोकना है विद द हेल्प ऑफ अरेबियन किंग अरेबियन किंग की हेल्प से जैनोक्रेट के जो फ़ादर है द सुल्तान ऑफ़ इजिप्ट वो इस चीज़ की शपथ खाते हैं कि ताम्बुलिन को किसी भी कंडीशन में इजिप्ट अटैक नहीं करने देना है पर देखते हैं जैसे पर्सिया को जीता फिर टर्किश एम्पायर को जीता तो अब इजिप्ट को वो जीतता है या नहीं तैम्बुलन वो अब देखते हैं डिस्पाइट जेनोक्रेट्स प्लीज तैम्बुलन प्रिपेयर्स टू अटैक इजिप्ट तो अब जो जेनोक्रेट है वो उसको मना करती है तैम्बुलन को कि तुम प्लीज़ इजिप्ट पे अटैक मत करो मेरे फादर का जो किंगडम है एम्पायर उसे छोड़ दो पर आ,

एंड governor sends a ग्रुप ऑफ वर्जन्स फॉर टैम्बुलन्स आर्मी as an attempt टू स्टॉप them from अटैकिंग तो टैम्बुलिन की आर्मी अटैक करती है डेमस्कस जो गवर्नर है उसकी प्रोविंस पे तो वो जो गवर्नर है वो क्या करता है वो कुछ वर्जन्स को भेजता है ताकि तम्बुलिन और उसके जो भी आर्मी मेम्बर्स हैं उनको रोक सके फ्राम अटैकिंग टैम्बुलिन डिक्लाइंस इज ऑफ ही हैज़ द वर्जन स्लॉटर्ड एंड देन डिस्प्लेड ऑन द सिटी वॉल्स अब ताम्बुलिन का इस सीन में पर्टिकुलरली जो क्रुअलेस्ट फेस है वो सामने आता है जब ऑल दो अभी तक उसने बहुत सारी क्रुआलिटीज़ की हैं बहुत सारे वॉलेंट एक्टिविटीज़ की हैं तो अब लेकिन ताम्बुलिन जो गवर्नर है उसको ऑफ़र देता है तुम्हें वर्जन्स जो भी मेड वर्जन्स हैं वो तो ऑफ़र कर रहा हूँ तो और तुम्हारी पूरी आर्मी को पर वो इस ऑफर को डिक्लाइन कर, कर, कर देता है और जितने भी वर्जन होती हैं उनको स्लॉटर करके सिटी वॉल्स पर उनकी बॉडीज को हैंग कर देता है वाइल्ड टेम्बुलन इज एट वॉर विद इजिप्ट किल्स हिमसेल्फ बाय बैशिंग हिज बजाज हिम सेल्फ वॉल नॉट बींग एबल टू इन्जॉय द ह्यूमिलिएशन एनी लॉन्गर वैन जबीना सीज हिम शी डज दिस थिंग शी डज द सेम थिंग रनिंग हैड फास्ट इन टू द वॉल्स ऑफ हर हजब सेल अब क्या होता है तैम्बुलिन इस तरीके की क्वालिटी को क्रॉस कर रहा होता है वो इंसिनिटी की तरफ बढ़ रहा होता है ऑन दी अदर साइड जो बैजाजैद और उसकी वाइफ जिसको कैप्चर किया था तैम्बुलिन ने तो वो जो बैजाजैत होता है वो हिमिलिएशन तैम्बुलिन और उसकी वाइफ का जो ह्यूमिलिएशन है वो इन्गोर नहीं करता है ज़्यादा और वो क्या करता है अपनी अपने सर को अपने सेल के जो रॉड्स होती हैं उसमें जाके एग्जैक्टली बैश आउट करता है उसमें हिट करता है अपने सर को और वहीं पे उसका सर बोस्ट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है सेम एक्ट वॉज डन बाय जमीन है उसने भी यही किया अपने हस्बैंड के जो सेल का जो आयरन रॉड था सेम उसी में जाके अपना हेड हिट करती है और उसी तरीके से उसकी भी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे बजाजत और उसकी वाइफ दोनों की डेथ हो गई और तैम्बुलन का जो इंसैनिटी की तरफ जो बढ़ रहा है जिस तेज़ी से उससे उसका जितने भी सिंस है वो अकम्पलिश होने वाले हैं पूरे होने वाले हैं ऑन वन डे द बैटल अगेंस्ट द सुल्तान एंड द किंग ऑफ अरेबिया अब जो तेम्बुलन है वो बैटल जीत जाता है सुल्तान से सुल्तान ऑफ इजिप्ट एंड फ्रॉम द किंग ऑफ अरेबिया जो कि सुल्तान ऑफ इजिप्ट का सपोर्ट कर रहे होते हैं वाइल द किंग ऑफ अरेबिया डाइज मोर टेरिटरी दैन बिफोर अब जो कर अरेबियन जो किंग था अरेबिया का जो किंग था वो मर चुका होता है और ताम्बुलन जो सुल्तान होता है जो एग्जैक्टली exactly, फादर uh, होते हैं जानोक्रेट के उसके फादर इन लॉ होते हैं ता, ताम्बुलिन के वो उनको बहुत सारी टेरिटरी देके के वहाँ से चला जाता है आफ्टर द बैटल विद द सुल्तान ताम्बुलिन रिटर्न टू जेनोक्रेट एंड क्राउन्स आर क्वीन ऑफ परसिया दस एंडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लेन अब फर्स्ट पार्ट का एंडिंग कहाँ होता है जहाँ वो सुल्तान इजिप्ट का जो सुल्तान होता है उससे बैटल करके यहाँ पर सुल्तान सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए बैटल करता है विद हिज ओन फादर इन लो ताकि वो सुपीरियरिटी हासिल कर सके कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीत सकता हूँ वो उसका एक ख्वाब होता है तो जीत जाता है पर वो अपने फादर इन लो की जो टेरिटरी है वो नहीं लेता है इनफैक्ट उससे डबल टेरिटरी दे के उनको गुड बाय कहता है ताम्बुल्न वापस जानोक्रेट के पास आता है और उसे क्वीन ऑफ परसिया बनाता है और इसी तरीके से पार्ट वन का एंड हो जाता है तो पार्ट वन में आप देखते हो कि ताम्बुलिन ने पर्सिया को जीता टर्किश एम्पायर को जीता इजिप्ट को जीता अरेबियन जो किंग था उसका मर्ड उसको एग्जैक्टली ड्यूरिंग बैटल उसका मर्डर किया तो इस तरीके से पार्ट वन एंड होता है जहाँ पे वो अपनी क्वीन जानोक्रेट को क्वीन ऑफ परसिया बनाता है ठीक है सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट वन नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द पार्ट टू ऑफ दाम्बुल इन द ग्रेट ताम्बोल इन द ग्रेट का पार्ट टू में अपन एंटर करने जा रहे हैं जो कि बाद में पब्लिश हुआ था बाद में ड्रामाटाइज हुआ था आफ्टर द ड्रामाटाइजेशन ऑफ पार्ट वन जब पार्ट वन सक्सेसफुल हो गया तो क्रिस्टोफर मार्लाओ ने ये सोचा व्हाई नॉट आई हैड टू राइट अनदर पार्ट टू ऑफ ताम्बोल इन द ग्रेट ताकि वो भी उतना ही सक्सेसफुल हो जितना कि ताम्बुलिन था ठीक है अब देखते हैं पार्ट टू में एग्जैक्टली exactly क्या प्रोसीड होता है अब तक आपने देख लिया कि जो जानो क्रेट है वो क्वीन ऑफ पर्सिया बन चुकी है ठीक है द सेकेंड पार्ट सॉरी द सेकेंड पार्ट ओपन विद सजस मॉन द किंग ऑफ हंगरी एंड ऑर्केन्स ऑर्केनस The द किंग ऑफ नटोलिया साइनिंग अ थ्रूज वाइल्ड तैम्बुलन एडवासिस टर्ड्स नटोलिया अब नेक्स्ट जो टारगेट होता है तैम्बुलिन का इस पर्टिकुलर पार्ट में वो होता है नतौलिया तो इस पार्ट में क्या होता है सजसमुंड जो कि किंग ऑफ हंगरी होता है वो किंग ऑफ नटोलिया के साथ मिलके जो कि और कैनस होता है और कैनस और सजसमुंड दोनों मिल एक म्यूचुअल डील फाइल कर डील फाइल करते हैं जिसमें कि वो तांबुल्लिन जो कि नटोलिया की तरफ बढ़ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है उसे रोकने के लिए एक डील फाइनल करते हैं ठीक है तो इस तरीके से किंग ऑफ हंगरी एंड किंग ऑफ नटोलिया दोनों मिलके एक डील फाइनल करते हैं कि, कि किसी भी तरीके से ताम्बुलिन को नटोलिया पर अटैक करने से रोकना है बैक इन एजिप्ट बेजाजैज सन कैलपाइन कैलपिन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजेंस बाय ब्राइबिंग हिज जेलर हिम अ किंगडम अब क्या होता है जब मैं वापस से सीन सीन जो है वो शिफ्ट होता है जहाँ पे पर बैजाजैद और उसकी वाइफ मर चुके हैं और उसका जो बेटा है बैजाजैद का जिसका नाम है क्यालपिन तो वो क्या करता है वो वहाँ से छूट के चला जाता है क्यों क्योंकि वहाँ का जो प्रिजनर होता है जिसको उसने बंदी बना रखा होता है वो उसको ब्राइब करता है उसको रिश्वत देता है कि मैं तुम्हें एक किंगडम गिफ्ट करूँगा तुम मुझे प्लीज़ इस जेल से बाहर निकाल दो तो इस तरीके से क्यालपिन उस जेल से बाहर निकल जाता है ठीक है टैंबुल टीचर्स थ्री सन्स अबाउट वॉर वाइल द टू ऑफ दैम आर जस्ट लाइक हिम क्रूअल एंड ईगर टू बी ऑन द बेटल फील्ड वन ऑफ द एम कैलिफर्स अ डजेंट है सेम मेंटालिटी एज ताम्बुल ड अब क्या होता है ताम्बुलिन के एग्जैक्टली तीन बेटे होते हैं थ्री सन्स ताम्बुल के होते हैं उनमें से जो दो होते हैं वो ताम्बुलिन के जैसे ही होते हैं क्रूअल होते हैं एंड दे बोथ हर ईगर टू बी ऑन द बैटल फील्ड हमेशा बैटल करने को तैयार रहते हैं वॉयलेंट होते हैं ठीक है एक तरीके से बोले तो क्रूअल बहुत ज़्यादा होते हैं ऑन दी अदर साइड उसका एक जो बेटा होता है उसका नाम कैलिफस होता है कैलिफस जस्ट ऑपोजिट होता है तैम्बुलन का वो काइंड हार्टेड होता है एंड ही नेवर वांट टू बी ऑन द बेटर फील्ड ठीक है तो इस तरीके से उसके तीन बेटे होते हैं टू एन वन साइड एंड वन ऑन दी अनोदर आफ्टर दैट तैम्बुलन मीट्स अव थैर्ड थैर्डमस चार्लस एंड सॉरी उज मेक ए

नेक्स्ट एक्ट में क्या होता है सजसमोन्ट ब्रेक्स हिज वू एंड अटैक नटोलिया वाइल तैम्बुलन टास्क अब क्या होता है जैसे कि मैंने बताया था सजसमोन suggest, uh, होता है uh, वो क्या करता है वो अपने वू को ब्रेक कर देता है जो कि उसने म्यूचुअल डील की थी अलोंग विद द किंग ऑफ नतौलिया किंग ऑफ हंगरी होता है तो किंग ऑफ नतौलिया के साथ मिलके जो उसने डील की थी कि हम दोनों मिलके ताम्बुल uh, को रोकेंगे फ्रॉम अटैकिंग नतौलिना निया पर यहाँ पे क्या होता है सजस मुंड अपनी वो से ब्रेक करता है वो उसको चीट करता है डिच करता है और तैम्बुल के साथ मिलके ही नटोलिया पे अटैक कर देता है ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तो इस तरीके से जो सजस मुंड है वो अपने फ्रेंड को जो किंग ऑफ नटोलिया उसको उसको चीट करता है और तैम्बुल के साथ मिलकर अटैक कर देता है तैम्बुलेंस जब अटैक कर रहा होता है उसी टाइम पे हाउ एवर ऑर्कियानस डिफीट सैम बिलीविंग दैट ही वॉन बिकॉज सजसमुंड ब्रॉक द वो ही मेड टू द क्रिश्चन सेवियर अब जो ऑर्खानस होता है वो उन लोग को हालांकि डिफीट कर देता है पर जो ऑर्खानस होता है वो उसको ये बिलीव होता है कि मैं इन लोगों को इसलिए हरा सका क्योंकि सजसमुंड ने अपनी वो को ब्रेक किया जो कि उसने प्रामिस किया था एक क्रिश्चन सेवियर के साथ

ठीक है अब तांबुलिन को पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है जैनोक्रेट है वो बीमार है तो उसके पास जाता है जैनोक्रेट की डेथ हो जाती है और जब जैनोक्रेट की जिस सिटी में डेथ हो हो जाती है उसको वो पूरी तरीके से बर्न कर देता है और एक क्लियर रिस्ट्रिक्शन देता है कि कोई भी इस सिटी को दोबारा रिबिल्ड नहीं करेगा ठीक है तो इस तरीके से ये सेकेंड जो पार्ट है वो चल रहा होता है जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है कैलेपिन इज़ क्राउंड टर्कश एम्पा एम्परर एंड स्वेर्स डैट ही विल रिवेंज इज फादर्स डैथ एंड द ह्यूमिलिएशन हिज सफ़र अब जो कैलेपिन है जो कि बजाज का सन होता है उसे एज द टर्किश एम्पर चूज़ कर लिया जाता है वो टर्किश क्या एम्पर बन जाता है और वो शपथ लेता है कि वो किसी भी तरीके से अपने फादर की जो डेथ का बदला लेगा और जिस तरीके से उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया था और जिस ह्यूमिलिएशन की वजह से वो सफ़र किए थे पूरी अपनी लाइफ मतलब आफ्टर कैप्चरिंग आफ्टर कैप्चरिंग तो वो सब हर चीज़ का बदला लेगा फ्रॉम ताम्बुल थारेडमस एंड टचालस मार्च नॉर्थवर्ड वेयर दे कौनकॉर अनादर सिटी अब जो थारेडमस और टचालस है ये दोनों नॉर्थ साइड सिटी नॉर्थवर्ड सिटी की सिटीज की तरफ जाता है वहाँ पे एक सिटी को वो जीत लेते हैं अब वो दोनों क्या करते हैं द कैप्टन ऑफ दैट सिटी डाइज उस सिटी का जो कैप्टन होता है वो मर चुका होता है एंड जो और है वो उस कैप्टन के वाइफ ओलंपिया को कैप्चर कर लेते हैं ठीक है टैंबुलसें उज्मे देन पार्ले विद क्यालपिन एंड कैंगस थ्रेटनिंग एच अदर एंड बोस्टिंग अब ता, ताम्बुलन जो उजमैके सहन होता है उसके साथ मिलके के और उसके जितने भी कैंग्स हैं उनको थ्रेट करते हैं और बूस्ट भी करते हैं ठीक है मतलब वॉर करो या फिर या तो हमारे साथ वॉर करो हम तुम्हें तो डिफीट करेंगे तुम्हारा एम्पायर हमारा होगा या फिर तुम हमारे साइड हो जाओ तो इस तरीके थ्रैटनिंग और बूस्टिंग दोनों चल रही थी जो कैलिफिस uh, कैलिफस का जो ब्रदर्स होते हैं हारशिंग हैम लुकिंग फॉर फाइट कैलिफस जो कि थर्ड सन होता है जिसके बारे में मैंने बताया था तैम्बुलन का तो वो तीनों भाई एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और वो जो दोनों बड़े भाई हैं वो कैलिफस को एक्चुअली इंसिस्ट कर रहे होते हैं टू तो फाइट विद दैम लेकिन वो मना कर रहा होता है ही हैम्बुलिन रिटर्न स्टेप्स कैलिफर्स दिलिंग हिस्स सन जब वो मना कर देता है वॉर के लिए बैटल के लिए कैलिफस या फाइट के अलाग विद बोथ ऑफ हिज ब्रदर्स तो ताम्बुलिन वापस आता है उसी टाइम पर और अपने ही बेटे को वो मार देता है ताम्बुलिन एंड ऑर्डर्स द टर्किश कॉन्क्यूबाइंस टू गो एंड बियरी हि सन अब ताम्बुलिन क्या करता है जो भी टर्किश की जो कॉन्क्यूबाइंस होती हैं ना जितनी भी कॉन्क्यूबाइं मिस्ट्रेसिज होती हैं वहाँ की तो वो सब उनको सबको ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और मेरे सन को बियरी कर दो He then goes away in a chariot pulled by the kings of the lands he conquered and tells his soldiers to rape the Turkish कॉन्क्यूबाइन अब यहाँ पे हद तब होती है जब तेम्बुलिन क्या करता है अपने जितने भी शोल्जर्स हैं उनको बोलता है कि तुम जाओ और जितने भी वो कॉन्क्यूबाइन हैं जिनको ऑर्डर दिया था टू बियरी हिट्स एंड कैलिफिस तो वो क्या करता है उन सबका बोलो तुम जाओ और जस्ट रेप दाम ठीक है इस तरीके से जो इंसनेटी की सारे लिमिट्स थी वो क्रॉस कर दी थी टैंबोले ने उसका रिजल्ट कितना बुरा हो सकता है नो बडी कैन इमेजिन मीन वाइल थैरेडोमस फॉल्स इन लव विद ओलम्पिया एंड ट्राइज टू गोट हर बट शी रिफ्यूज हिज एडवाज अब क्या होता है थैरिडमस जो होता है थैरिडोमस ए टालस जिन्होंने वो जीता था एक सिटी जिसका कैप्टन uh, मर चुका था जिसके वाइफ को उन्होंने कैप्चर कर लिया था ओलंपिया को तो अब थैरिडमस फॉल इन लव विद ओलंपिया वो उससे प्यार करने लग जाता है और उसे उस शादी करने के लिए अप्रोच करता है पर वो मना कर देती है ओलंपिया ट्रिक्स थारेडिमस इन टू किलिंग हर टेलिंग हिम दैट शी हैज़ एन ऑइनमेंट दैट कैन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम फ्राम गैरिंग वैंड स्टैब्ड अब क्या होता है ओलंपिया जो होती है वो थारेडिमस को एग्जैक्टली uh, ट्रिक exactly करती है वो बोलती है कि मेरे पास ऐसा ऑइनमेंट है जिसकी वजह से अगर किसी पर्सन को वोन लग जाता है घाव हो जाता है तो उसको हील कर देता है तो थारेडमज क्या करता है उस चीज़ उस ऑइनमेंट को चेक करने के लिए ओलंपिया को स्टैप कर देता है उसको चाकू मार देता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है आगे क्या होता है ताम्बुलन कंटिन्यूस हिज कॉन्क्वेस्ट एंड अराइव इन बेबी देयर ही हैंग्स द गवर्नर ऑफ द सिटी ऑर्डर्स एवरी बेबी लियन बेबी लॉनियन ड्रॉन्ड एंड बर्नस इस्लामिक रिलीजियस बुक्स अब क्या होता है तैम्बुलन की जो जीत है वो एक के बाद एक दूसरे सिटीज़ में दूसरे किंगडम्स पे अटैक करता रहता है कॉन्टीन्यूसली अब जो उसका टारगेट होता है वो होता है बेबीलॉन एक किंगडम होता है और वहाँ के गवर्नर को वो मार चुका होता है उसे हैंगड अप कर दिया होता है और वहाँ के जितने भी सिटीजन्स होते हैं बेबीलॉन के उन सबको ऑर्डर देता है टू तो बर्न द इस्लामिक रिलीजियस बुक इस्लामिक रिलीजियस बुक्स को बर्न करने का ऑर्डर देता है अब आप यहाँ पे देखेंगे जब आप क्रिस्टोफर मार्लॉव की जो बायोग्राफी मैंने पढ़ाई थी इन माय प्रीवियस वीडियो तो जब आप वो स्टडी आउट करेंगे और जो मेरा प्रीवियस वीडियो है क्रिस्टोफर मार्लोव की बायोग्राफी आपको उसी को अच्छे से स्टडी आउट करके पर्टिकुलर प्लॉट या प्ले के बारे में स्टडी करनी है ताम्बुलन के बारे में बिकॉज अगर आपको क्रिस्टोफर मार्लोव की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है आपके उसके बिलीव्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इस पर्टिकुलर प्ले को इंटरलिंक नहीं कर पाओगे उसके कैरेक्टर के साथ तो जैसा कि बायोग्राफी में दिया गया है एंड वन मोर थिंग जो लिंक है मेरे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का एन नेट इंग्लिश लिटरेचर का जो प्लेलिस्ट है पूरा उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ जाके जो इसका प्रीवियस वीडियो है वो देखिए उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्रिस्टोफर मार्लो वॉज एन एथईस्ट ही डिडेंट बिलीव इन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड डिट उन्हें जीजस क्राइस्ट की एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं था ठीक है वो किसी भी रिलीजन uh, को नहीं मानता था ही वॉज एन एथइस ठीक है और उसका पनिशमेंट भी उन्हें भुगतना पड़ा था तो इस तरीके से आप इस सीन को देख के आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से क्रिस्टोफर मार्लो अपने एथिज बिलीफ्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तैम्बुलेंड रिटर्न्स टू परसिया फीलिंग वेरी अब तैम्बुलेंट पर्सिया वापस चला जाता है और वहाँ पे बहुत ही बीमार फील करता है ऑन द वे बेक दे आर अटैक्ड बाई कैलपिन हु फोर्स टू रन अवे जब वो वापस आ रहा होता है बेबी से पर्सिया वापस जा रहा होता है उसी टाइम पे कैलोपिन जो होता है जो कि भी एक एम्परर है तो वो अटैक करता है अपॉन ताम्बुलन एंड हिज हारमिन एंड इन पर्सिया तैम्बुलन नेम्स अमायरस इज सक्सेसर टू द थ्रोन बिफोर डाइंग अब रास्ते में जब आ रहे होते हैं कैलोपिन अटैक करता है कैलोपिन को वो भागने पे मजबूर कर देते हैं ताम्बुलन वापस पर्सिया आता है और अपना जो बेटा होता है मायरस उसको अपना सक्सेसर बना दिया जाता है ठीक है द प्ले एंड विद द लेमेंटेशन ऑफ तैम्बुलेंस सन अमारस फियरिंग दैट ही विल नेवर बी एज ग्रेट एज इज फादर अब प्ले का एंड कहाँ होता है जहाँ पे उन उसके फादर जो है बहुत ज़्यादा बीमार है ऑन ऑनर डेथ बेड पे हैं वो ठीक है तो उसका जो बेटा होता है इस चीज़ पे लैमेंट कर रहा होता है कि एग्जैक्टली exactly मैं अपने फादर जितना ग्रेट नहीं हो सकता हूँ तो इस तरीके से ये पूरा प्लॉट है प्ले है जो कि दो पार्ट्स में है पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट वन एंड होता है जहाँ उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है जा, सॉरी पार्ट वन एंड होता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ को क्वीन ऑफ परसिया बनाता है पार्ट टू में उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है एट द एंड ऑफ द प्लॉट वो क्या करता है वो खुद भी डेथ बेड पे होता है अपने बेटे को सक्सेसर बना चुका होता है वो और इस तरीके से ये प्लॉट का एंड होता है और ये क्रिस्टोफर मार्लो का वन अमंग द बेस्टेस्ट प्लेज में से एक है द पार्ट वन तैम्बुल इन द ग्रेट स्पेसिफिकली ठीक है तो, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्ले तैम्बुल इन द ग्रेट ठीक है तो अब क्या करना है आपको जैसा कि मैंने बताया प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं जो भी अब तक अवेलेबल कराए हैं मैंने आज तक के लिए इतना ही बाकी क्रिस्टोफर के बाकी के जो प्लेस हैं वो मैं फर्दर डिटेल uh, uh, से डिस्कस करती रहूँगी एक के बाद एक आपको सारे प्लेज का इन डेप्थ डिटेलिंग मैं यहाँ पे करूँगी एक्सप्लेन करूँगी हर एक प्ले को स्टिल अगर इस प्ले से रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो क्वेरी हो क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली कॉमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल डू लाइक द वीडियो

एलिमेंट्री योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप उनको भी जाके फॉलो करें इन तीनों के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो